हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने सोचा मैं आपको आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी डिश बनाती हूँ, ठीक है। क्योंकि सर्दियाँ हैं, बारिश थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के लिए कुछ बनाऊँ। तो मैंने जी फिर तैयारी की अनियन भाजी बनाने की। पकोड़े भी बनाते हैं, लेकिन अनियन भाजी थोड़ी सी उससे डिफरेंट होती है, क्योंकि पकोड़े में वो सारा थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में हम बेसन को और सारे मटेरियल को करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जी उसके लिए भी मुझे ज़रूरत पड़ी पोटैटोज की और ऑब्वियसली अनियन की, ठीक है। तो बस ये जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पोटैटोज को ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पोटैटोज को इसी तरह यूज़ करते हैं। और ये करते हैं कि मेक श्योर करते हैं कि थोड़ा सा बस इनका पानी पोटैटोज का निकालना चाहिए, ज़्यादातर ज़्यादा जस्ट एक पोटैटो का निकाले, बकाया आप लोगों ने उनका पानी नहीं निकालना, क्योंकि फिर उसी पानी में हम लोगों ने क्या करना है उस सारे उसको प्याज को सारे मसालों को और बेसन को हमने गूंदना है, ठीक है जी। तो ये मेरे प्याज भी कट गए और मेरे पोटैटोज भी सारे ग्रेट हो गए, ठीक है। उसके बाद इसमें जी मसाले डाले थे, ये इसमें है धनिया है, पुदीना है, फिर थोड़ी सी काली मिर्च है, क्रश चिली है, फिर वो है सॉल्ट है, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला है और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी, ठीक है। अब मैं सारा कुछ इसमें मिक्स करूँगी और फिर इसके बाद इसमें डालूँगी ये थोड़ा सा रह गया था, तो आपको पता है मेरी मेरी सपोर्ट जो है ट्विंकल, शी वॉज अराउंड मी, तो उसने भी मुझे आके कहा मामा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। उसने यू प्लेट पकड़ी और फिर मैंने जो रेस्ट था वो उसमें डाल दिया। तो ये है कि मैं इन दोनों को मना नहीं करती, जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो ये दोनों ज़रूर मेरे इर्द गिर्द होती हैं और मेरी सपोर्ट करती रहती हैं किसी न किसी बात में, ठीक है जी। तो ये हमने सारा इसमें डाल दिया मसाला। इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी बेसन। बेसन हमने उसका ये है कि वैसे तो आप 4 टेबलस्पून डालिएगा भर के, फिर आप उसको मिक्स करके देख लें अगर आपको, और अगर आपको लगे कि भाई अभी ये थोड़ा सा थिक फॉर्म में है तो आप मज़ीद उसमें बेसन ऐडअप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें इसके लिए इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए जैसे थोड़ा सा थिक, जैसे लिक्विड ही नहीं होता, जैसे पकौड़ों का होता है वैसा नहीं हमने करना, ठीक है। तो आप देखिए क्योंकि इसमें अनियन का पानी भी है और इसमें पोटैटोज का पानी भी है, क्योंकि पोटैटोज को हमने वो किया था ग्रेट किया था, तो फिर उसमें भी उसका पानी निकलता, ठीक है जी। तो बस देखिए अब हम लोग इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अब ये मिक्स हो गया और आप जैसा कि देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही आपने रखना है, ठीक है। तो फिर ये है कि बस अब थोड़ा अब इसके बाद मैं आप बताऊंगी कि मैंने वो अपने अनियन भाजी कैसे बनाए। तो चाहे तो आप चाहे तो स्पून से थोड़ा थोड़ा लेके आप अपने उसमें कढ़ाई में जिसमें भी आप बना रहे डाल सकते हैं, और या तो हाथ से, हाथ से ये होता है कि आप उसको अच्छी तरह स्लिप कर सकते हैं ना उसमें ऑयल में, और जितना भी आपने उसको उसका साइज़ बनाना है, छोटा बनाना है चाहे या बहुत बड़ा बनाना है, तो ये आप इजीली उसको कर सकोगे, ठीक है। तो ठीक है जी, ये हमारा मसाला सारा रेडी हो गया। तो अब मैं अपने उन सब फ्रेंड्स का शुक्रिया करूँगी जिनको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और जो मेरे वीडियोस को देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और उन सब का भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। तो जी अभी ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑयल जो मैंने रखा था वो ऑलरेडी गर्म हो गया था, तो अभी मैं अब उसमें पोटैटोस जो मैंने बनाया मसाला वो उसमें मैं डाल रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं हाथ से डाल रही हूँ, मैं हाथ से उसको क्या कर रही हूँ, जितना भी मुझे उसका साइज़ बनाना है वो मैं करके अपने अपने उससे थंब से उसको स्लिप करती जा रही हूँ उसमें ऑयल में, ठीक है। तो बस इसी तरह फिर जितने भी जितने आपके उसमें कढ़ाई में आ सकते हैं उतने आप डालें और जितना साइज़ आपको चाहिए आप उतना ही करके उनको पकौड़ों को फ्राई कर लें, ठीक है जी। कोई है रॉकेट साइंस के, बस इजी है वेरी इजी है, लेकिन इतने यमी बनते हैं ना, बहुत यमी बनते हैं और बहुत मज़ा आता है इनको खाने का।
और स्पेशली जब बारिश हो रही हो और ठंड हो तो दिल करता है कि बस ऐसी कोई चीज़ हो और उसके साथ हम चटनी वटनी के साथ खाएं तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है जी, तो देखिए ये ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। और एक और बात, जब हम किसी किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं तो एकदम नहीं उसकी साइड चेंज करनी, ठीक है? उसको कोई 2-3 मिनट्स दें ताकि वो अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाए और फिर आपने उसकी साइड चेंज करनी है, वरना क्या होता है कि बैटर बिखर जाता है तो वो अच्छा अच्छी तरह नहीं उसका होता, आ, आ, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह नहीं वो जुड़ जुड़ जुड़ते ना, ये पकोड़े हों चाहे कोई भी फिश बनानी हो कुछ भी करना हो। ठीक है जी, तो अभी क्या है कि बस ये ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो अभी जैसे ये अभी बनेंगे तो फिर मैं इसके बाद आपको प्लेट में निकाल के दूंगी और फिर मैं साथ में आपको एक खा के भी दिखाऊंगी। ठीक है जी, ये देखिए जी हमारे पकोड़े रेडी हो गए, बहुत यमी बने थे, सबने बहुत शौक से खाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपने खूब इन्जॉय भी किया होगा मेरी बातों को भी और मेरी रेसिपी को भी। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना किस किस ने बनाया और किस किस ने ट्राई की। ठीक है जी, तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बनाएंगे और मज़े मज़े से ये रेसिपी जो है ना ट्राई करेंगे और खाएंगे और फिर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो अभी चलती हूँ, फिर होपफुली दोबारा आऊँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ और एक अच्छे से वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चलती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल, बाय बाय।